वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे चैनल पे कंट्रोल वाल्व मेंटेनेंस के ऊपर में कि कंट्रोल वाल्व का सेटिंग कैसे कैसे करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ कि कंट्रोल वाल्व का सेटिंग हम कैसे करेंगे, आईपी पोजीशनर की सेटिंग हम कैसे करेंगे, आईपी पोजीशनर कैसे कैलिब्रेट करेंगे, साथ के साथ कंट्रोल वाल्व में क्या क्या पार्ट्स होता है, क्या क्या ट्रबल शूटिंग आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो है हमारा डायफ्राम है, ठीक है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा इंडस्ट्री में कि डायफ्राम से यहाँ जो है एयर वेंट ये लगा हुआ है, यहाँ से एयर आने लग जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न है, जब एयर वेंट से हमारा एयर यहाँ से आने लगता है, इसका क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास में एयर ब्लड लगा हुआ है, अगर ये आपका एयर ब्लड किसी भी कारण बस फट जाएगा तो आपका वहाँ से एयर आने लग जाएगा और आपका उस केस में कंट्रोल वाल्व 100% ओपन और क्लोज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये ब्लडर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, ये जो आपका एक्चुएटर है इसके ऊपर में ये स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, स्प्रिंग पे जो है ये टेंशन बनकर के जो है ये ओपन क्लोज करने का काम करता है परसेंटेज में, इस तरीके से सारा का सारा ये स्प्रिंग लगा होता है इस पे जो है। तो दोस्तों, जब भी आप खोलें इसको तो बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी है, खोलने के टाइम में बिल्कुल इसको आप हर एक बोल्ट को जो है धीरे धीरे आप खोलेंगे ताकि ये आपको किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना होता हो। चलिए, अब दूसरी चीज़ आ जाती है अपने को यहाँ पे पोजिशनर, ठीक है दोस्तों। पोजिशनर में आपको जो है सेटिंग जो करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनर में आपको चेक करना है कि हमारा पोजिशनर में सप्लाई क्या आ रही है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले मैं मिली एम्पीयर में लूँगा, मिली एम्पीयर मैंने मल्टीमीटर को सेट किया, ठीक है। अब मैं इस मल्टीमीटर की सहायता से सीरीज़ में चेक करूँगा। मैंने ये वायर निकाल लिया इसका और देखिए जी, मैं सीरीज़ में लेकर के इसको चेक करता हूँ कि इसमें मेरे सप्लाई कितना आ रहा है। तो जीरो कंडीशन में 4 mA आना चाहिए, यानी 3.9 mA मेरा आ रहा है, दैट मीन्स कि ओके है, ये 0% पे है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे हम इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इसका एम्पीयर भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो हमारा सप्लाई चेक करने का ये हो गया, ठीक है। चलिए मैं इस वायर को लगा देता हूँ इसमें। नेक्स्ट अपना आ जाता है आईपी पोजिशनर की सेटिंग, ठीक है। तो इसकी सेटिंग मैं दोस्तों सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको सेटिंग जो है कंट्रोल वाल्व के अंदर की सेटिंग आपको बता देता हूं, ठीक है। कंट्रोल वाल्व जो है ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये आपको यहां पे एक स्केल दिख रहा होगा आपको, जहां मैंने टेस्टर रखा है ये स्केल है। तो आपको हमेशा चेक करना है कि नॉर्मल जीरो कंडीशन में कंट्रोल वाल्व जो है आपका जहाँ होना चाहिए बिल्कुल नीचे होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल करें। इन केस आपका कंट्रोल वाल्व का ये जो टिप है, ये टिप अगर यहाँ पे नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ नीचे में एडजस्टिंग का दिया हुआ है ऑप्शन, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वाल्व को और एडजस्ट कर करके यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसकी सप्लाई को कट कर देनी पड़ेगी और एयर कट करके देखना है कि जीरो कंडीशन में आपका यहाँ पे एक्चुअली बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको और भी आ सकती है कई बार, कि आपका यहाँ से तो सेटिंग है लेकिन आईपी पोजीशन, ये जो आईपी पोजीशन मेरा लगा हुआ है यहाँ से इसकी सेटिंग नहीं है प्रॉपर। कई बार क्या होता है कि यहाँ से आपका ज़ीरो आपने मैकेनिकली तो ज़ीरो कर लिया है लेकिन आईपी पोजीशन से जो है वो आपका एक्टिंग कर करके आपका 10% या 15% ओपन हो जाता है ज़ीरो कंडीशन में। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर ज़ीरो स्पैन है, ये एक स्पैन है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इन केस आपका लिफ्टर या तो ऊपर उठा हुआ है या नीचे हो रखा है, आप उस टाइम में यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है। अगर आपका अप है तो डाउन करने के लिए ये माइनस की तरफ हम बढ़ेंगे हम, और अप करने के लिए यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका जो काम होता है, मेन काम होता है कि इसके स्प्रिंग को टेंशन देना और टेंशन दे करके आपके कंट्रोल वाल्व को सेटिंग करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो पे जो है मैं आपको पूरा का पूरा आईपी पोजीशनर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला, डिफाइन करने वाला। धन्यवाद, थैंक यू।